हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष तिवारी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हैं हम एमजी मोटर्स लखनऊ में, और यहां पर आज एमजी कॉमेट को अनवील कर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं ऐसी एक ईवी के बारे में जो कि काफ़ी छोटी है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। देखते हैं क्या है इसमें फीचर्स वगैरह और क्या क्या दिया हुआ है एमजी ने इसमें। तो कुछ इस टाइप से है एमजी कॉमेट का फ्रंट लुक। एंड यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से DRLs इसकी मिल जाएंगी। एंड ये ब्लू एसेंट जो है काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पर। एंड इसके अलावा नीचे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो इस टाइप से इसकी DRLs हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। एंड उसके नीचे यहाँ पर भी आपको लाइट दी हुई है। एंड बम्पर में कुछ इस टाइप से डिज़ाइन दिया हुआ है। इस जगह पर आपको इसका चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। एंड काफ़ी छोटी सी है एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट सी इस ईवी को डिज़ाइन किया है एमजी ने। इधर वाइपर्स हैं। एंड इसकी अगर ओवरऑल हाइट की बात करूँ मैं तो 1640 mm की हाइट है इसमें। एंड इसके अलावा इस साइड में आपको यहाँ पर टायर मिल जाएंगे, काफ़ी छोटे से हैं। तो इनका साइज़ अगर दिखाऊं तो 145/70R12 12 inches के हैं इसके व्हील्स। इधर आपका पूरा ये ब्लैक्ड आउट ORVM मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा इस टाइप से इसका साइड प्रोफाइल और काफ़ी कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है। तो ईज़िली आप रश एरिया में भी इसको टर्न कर सकते हैं यहाँ। एंड टर्निंग रेडियस की बात करूँ तो 4.2 meter का इसका टर्निंग रेडियस है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाएगी। एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलता है इसका रेयर का लुक। एंड बार बार मैं यही कहूँगा कि काफ़ी छोटी सी काफ़ी कॉम्पैक्ट इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इस साइड में यहाँ पर आपको कॉमेट की बैजिंग, ऊपर एमजी की बैजिंग, यहाँ पर ईवी एंड इंटरनेट इनसाइड, जैसा कि आपको एमजी की कार से मिलता ही है। रियर लाइट्स कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएंगी। इधर आपका रिफ्लेक्टर है। रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं 2। एंड ये पूरी आपकी कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये कुछ डिफॉगर टाइप में दिख रहा होगा, बट ये एंटीनाज हैं इसके। यहाँ पर आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप एंड इधर छोटा सा स्पॉयलर। तो किसी भी चीज़ की यहाँ पर आपको कमी नहीं फील होगी कि हाँ एक छोटी सी ईवी डिज़ाइन की है तो किसी भी तरह से कोई कमी लग रही है। मिलेंगी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको, सारी ही कुछ। एंड बस अगर एक छोटी सी चीज़ बताओ, सनरूफ भी दे देते तो उसकी भी कमी इसमें पूरी ही हो जाती। अब अगर यहाँ पर इसके बूट की तो कुछ इस टाइप से थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। एंड कॉम्पैक्ट होने की वजह से यहाँ पर आपको सिटी राइड्स में चलना है तो यहाँ पर पंचर रिपेयर किट दी गई है। स्पेयर व्हील का कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड आप चाहें तो इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हैं एमजी कॉमेट की कीज़। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक एंड इसके अलावा बूट रिलीज का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर से एंट्री मिल जाती है। एंड ये जो आपके ORVMs हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल नहीं है यहाँ पर। एंड कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर डोर ट्रिम मिल जाएगा पूरा। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में मिल जाएंगे इसके हैंडल्स। एंड इधर यहाँ पर आपके सॉफ्ट टच में मटेरियल दिया हुआ है। एंड इधर थोड़ा सा स्पेस है। इधर आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर 2 स्पीकर आपको मिलते हैं। इसके अलावा अंदर यहाँ पर बंद कर लेता हूँ मैं इसको। एंड कुछ इस टाइप से है इसका पूरा डैशबोर्ड आपके सामने। एंड यहाँ पर अगर आपको स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस टाइप का आपको पूरा इसका स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। इधर आपके इसके कंट्रोल्स वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एंड इधर आपका वॉल्यूम वगैरह मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड इधर एयरबैग की बैजिंग, यहाँ एमजी का लोगो। सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको 2 एयरबैग्स ABS विद EBD मिल जाता है। एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पर भी पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया है। इधर आपको AC वेंट में भी क्रोम फिनिश मिल जाएगी यहाँ पर और इसी तरह इस साइड में।
कप होल्डर्स टाइप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इधर एंड एक इधर, एंड यहाँ पर आपको इस तरह से इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। इसके अलावा इधर आपको यहाँ पर वाइपर का स्टॉक एंड इधर हेडलाइट वगैरह का स्टॉक मिल जाता है, एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कुछ इस टाइप से, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो कुछ इस टाइप से है इसका स्टीयरिंग व्हील। एंड इस साइड में यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर वगैरह और इधर आपका ORVM को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इधर जो है आपको नीचे AC वेंट मिल जाएंगे एंड इसके नीचे AC कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इधर आपको हुक वगैरह मिल जाएंगे, तो आप पॉलीथिन वगैरह कुछ भी सामान कैरी करते हैं तो वो यहाँ पर अपना लगा सकते हैं, टांग सकते हैं। इधर आपका ड्राइव मोड चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर आप रिवर्स, न्यूट्रल एंड इसके अलावा ड्राइव एंड चार्ज शिफ्ट कर सकते हैं। इधर आपको विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड विंडो ऑटो मिल जाएगी एंड इधर आपकी हैंड ब्रेक है। और इसके बाद अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको IRVM मिल जाएगा, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा विद वैनिटी मिरर, एंड इसके अलावा इधर आपको मिल जाएगा इसका टिकट होल्डर एंड वैनिटी मिरर वगैरह। एंड इसके बाद अगर एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर आपको कुछ मिसिंग लग रहा होगा, इसकी हैजार्ड लाइट का बटन कहाँ गया, तो ढूंढते हैं उसको, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस टाइप से। इधर आपको इसका हैजार्ड लाइट बटन मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से आपको इधर इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। एंड बेसिक सा है, टच रिस्पॉन्स वगैरह ठीक ठाक ही है। इधर आप चाहें तो यहाँ से AC वगैरह इसका एडजस्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी स्मूथ तो नहीं कहूँगा इसे मैं, बस बेसिक सा मिल रहा है। एंड इधर से आप इसको पूरा स्लाइड डाउन वगैरह यहाँ पर नोटिफिकेशन, ब्लूटूथ एंड म्यूट वगैरह कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको 4G वगैरह ब्लूटूथ वगैरह दिख रहा होगा, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको मिल जाता है 2 स्पीकर के साथ। एंड इधर आपका इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पर सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह मिल जाएंगी, इसके अलावा ट्रिप है एंड अदर चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगी, रेंज हो गया, इधर आपको स्पीड वगैरह मिल जाएगा, तो कुछ इस टाइप से है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इसके बाद अगर एक इस चीज़ में आपको बताऊं, तो ये EV जो है परमानेंट ऑन ही रहती है जैसे आप इसके अंदर आएंगे, कभी अगर आपको इमरजेंसी वगैरह में इसे बंद करना पड़े तो उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे एक स्विच दिया हुआ है, इसका यूज़ करके आप इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अब आपको रियर सीट्स दिखाऊं इसकी, तो इस तरह से आपको 2 सीट्स मिल जाएंगी, तो यहाँ पर रियर में भी लोग बैठ सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसको फोल्ड करना होगा और आगे शिफ्ट करके और एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से छोटा सा बोनट इसमें दिया हुआ है, एंड इसको ओपन करने के लिए इधर ये छोटा सा लॉक है, काफ़ी टाइट है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर। एंड इसके बैटरी पैक की बात करें तो 17 kWh का बैटरी पैक मिल जाएगा, एंड रेंज इसमें आपको 230 किलोमीटर्स की कंपनी क्लेम करती है। तो ये थी सारी डिटेल MG कॉमेट के बारे में। अब अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो वो एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करती है 7.98 लाख, और एक कॉम्पैक्ट EV है तो सिटी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी होगी। एंड अगर आप इस EV को देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप MG शोरूम विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।